हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन अब में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स, चैप्टर नंबर 12, और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में करंट पढ़े थे कि करंट होता क्या है। तो हम लोग देखे थे कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो करेगा वही आपका करंट होगा। आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है ओम्स लॉ। आज का जो टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ कहता क्या है। ओम्स लॉ कहता है कि कोई भी कंडक्टर में जब आप करंट फ्लो कराओगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। किसी भी कंडक्टर में अगर आप करंट फ्लो कराओगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब कि करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। पोटेंशियल का अर्थ हुआ कि वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। तो अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, करंट घटेगा तो पोटेंशियल घटेगा। और ये जो होगा सब कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, मतलब कि टेम्परेचर ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, कोई दिक्कत? तो हम लोग लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या हो जाएगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करेंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी। मतलब कि करंट बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, करंट घटाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। तो हम ये कह सकते हैं देन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। बहुत सारे बुक में ये चीज लिखकर डायरेक्टली लिख देता है जो कि गलत है। आप करंट कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब कि करंट बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, करंट घटाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ाना होगा। अब या वी इज इक्वल टू आर आई, प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आएगा। हियर आर इज इक्वल टू क्या है? प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट, और यही आपका है रेसिस्टेंस। आगे हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टेंस क्या होता है। इतना लिखिए मिटा दे। अब कुछ हम लोग कंक्लूजन देखेंगे, मिटा दे ये। अब हम लोग कंक्लूजन देखेंगे, क्या कंक्लूजन हो रहा है। तो आप लिख रहे हो V इज इक्वल टू आई आर, क्या लिख रहे हैं? V इज इक्वल टू आई आर। हियर V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीडी लिखते हो, आई फॉर करंट और आर फॉर असिस्टेंस। अब इसे कंक्लूजन क्या निकलेगा? तो बी आर मल्टीपल में है तो इजकल टू आई। एक फॉर्मूला निकल गया V by R is equal to I, potential difference by current is equal to, sorry, potential difference but resistance is equal to current, हम कह सकते हैं, ठीक है? अभी current का definition आप करने का formula पढ़े थे Q by T, और दूसरा formula मिला V by R, ठीक है? चलिए, तो conclusion हमको क्या मिला?
कंक्लूजन हमको मिला कि करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस के, एंड करंट जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस के। मतलब कि आप करंट बढ़ाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, और करंट घटाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। दूसरे केस में कि करंट बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और करंट घटाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। इनवर्सली में एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, डायरेक्टली में एक बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा। तो कंक्लूजन निकल गया कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी और आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। लिखो बेटा, अब हम लोग लिखेंगे ग्राफ। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे ये देखिए। देखेंगे ग्राफ बिटवीन बी एंड आई, ग्राफ बिटवीन बी एंड आई, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये होगा पीडी और ये होगा करंट, जिसको आई बोलते हैं। तो जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ जो हमेशा जो स्लोप देगा हमको रेसिस्टेंस देगा। ये स्लोप क्या देगा? रेसिस्टेंस देगा, जिसको आर कहते हो। तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो हमेशा जो ग्राफ होगा, ठीक है, वो ओरिजिन से जाएगा और स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम लिखेंगे इफ ए ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द पीडी एंड करेंट आई इज फाउंड ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब कि ग्राफ जो आपको मिलेगा, ग्राफ जो आप ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ हमेशा कहां से जाएगा? वो आपको ओरिजिन से जाएगा। ठीक है, और ओरिजिन से वही ग्राफ ड्रॉ होता है जब दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों बॉडीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसी को हम लोग लिखेंगे ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैन बी ऑब्टेन ओनली इफ द टू क्वांटिटीज या ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनदर। ग्राफ जो आप ड्रॉ करोगे तो ओरिजिन से वही ग्राफ जाएगा जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के क्या हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। यहां करंट और पोटेंशियल डिफरेंस भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जो ग्राफ ऑब्टेंड हो रहा है वो कहां से जा रहा है? ओरिजिन से जा रहा है। क्लियर? जब भी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ मिलेगा, अगर स्ट्रेट टाइम मिलता है, एकदम स्ट्रेट टाइम मिलता है, ठीक है, तो आपको ओम्स लॉ को फुलफिल करेगा, नहीं मिलता है तो ओम्स लॉ को फुलफिल नहीं करेगा। देखिए अब हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। बता दे, अब हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इसका।
एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। लैब में आपको क्या क्या लेना है इसके लिए? बैटरी लेना है, ठीक है, स्विच लेना है जिसको की बोलते हो, रियोस्टेट लेना है, आमीटर लेना है, वोल्ट मीटर लेना है और कुछ वायर लेना है। सभी को इस तरह से जोड़ना है कि एक कंप्लीट डायग्राम बन जाए, कंप्लीट सर्किट बन जाए। हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका आ मीटर हुआ, रेजिस्टर से कनेक्ट किए, एक रेसिस्टेंस अटैच किए, ठीक है, और रेसिस्टेंस में वोल्ट मीटर लगाया, रेसिस्टेंस आर हुआ, रेजिस्टर आर एच हुआ, एक बैटरी हुआ किए, और ये आपका स्विच हुआ, और ये आपका बैटरी हुआ बी, आमीटर हुआ, और ये फिर आपका वोल्ट मीटर को। आमीटर क्या करता है? करंट के डायरेक्ट करंट को मेजर करता है, अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, मीन वर्क डन को मेजर करता है। रेसिस्टेंस आर होता है, रियोस्टेट वेरिएबल है, ये फिक्स एडजस्टेबल है, ये हमेशा एडजस्ट किया जा सकता है। स्विच हुआ के, ठीक है, सभी को एक कंप्लीट सर्किट डायग्राम करेंगे, इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि करंट जो है कंटिन्यू फ्लो करे, सर्किट डायग्राम एक सर्किट बन जाए, कंप्लीट सर्किट बने जिसमें करंट इजीली फ्लो करे। आप धीरे धीरे 5 एम्पियर का करंट देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे, 10 एम्पियर का करंट देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को देखेंगे, ऐसे करते करते 2-4 स्टेप ऐसे अगेन एंड अगेन करेंगे और सारे के रेसिस्टेंस को कंक्लूजन करेंगे कि कितना रेसिस्टेंस आ रहा है। अगर रेशियो वी और आई का कॉन्स्टेंट आता है, फिक्स्ड आता है, तब वो ओम्स लॉ वेरीफाई हुआ, और वो वी और आई का जो रेशियो होता है वो कॉन्स्टेंट नहीं आता है तो ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं हुआ। क्लियर? लिखिए, मिटा दे। अब लिखेंगे अगला टॉपिक जो होगा रेसिस्टेंस। ऐसा लिखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर ड्यू टू विच, ड्यू टू विच इट अपोजिट द फ्लो ऑफ करेंट आर कॉल्ड रेसिस्टेंस। मतलब ये कह रहा है या किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टीज होता है, रेसिस्टेंस क्या है, किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टीज होता है जो ये बताता है कि वो करंट कितना रेसिस्ट कर रहा है, कितना अपोज कर रहा है। क्लियर? रेसिस्टेंस क्या है कि ये किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टीज है जो ये बताता है कि रेसिस्टेंस जो है, करंट जो है कितना रेसिस्ट कर रहा है। दूसरे भाषा में, सिंपल में, दूसरे भाषा में आप लिखोगे द रेशियो बिटवीन
द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करेंट आर कॉल्ड रेसिस्टेंस। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होगा वो आपका क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। इट इज डिनोटेड बाय आर। तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू PD by current, that is R is equal to V by I. R is equal to V by I. P is equal to IR, अभी हम लोग देखें। अगर इसका SI यूनिट लिखे, इट्स SI यूनिट ओम, इस तरह का सिंबल होता है, ठीक है। फिर आपसे कोई पूछे वन ओम कितने के बराबर होता है, तो क्या लिखेंगे, वन वोल्ट पर एम्पियर, वन वोल्ट पर एम्पियर, वन वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन अब लास्ट टॉपिक है इसी का, रेसिस्टेंस का, ये फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस कंडक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर का रेसिस्टेंस है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, किस चीज को अफेक्ट करता है। तो लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। टॉपिक होगा फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो चार फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो लिखेंगे लिखेंगे द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फोर फैक्टर, चार फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लिखेंगे द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, दैट इज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगा, और रेसिस्टेंस घटेगा तो लेंथ भी घटेगा। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखेंगे द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल
टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनवर्सली का अर्थ हुआ कि एक बढ़ेगा तो दूसरा, अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। तीसरा में नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, और चौथा जो होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर का अर्थ हुआ कि सराउंडिंग का टेम्परेचर किस तरह का है, सराउंडिंग का टेम्परेचर किस तरह का है। देखें तो ये हुआ ओम्स लॉ। ठीक है, अगला जो क्लास होगा वो रेसिस्टिविटी पे आधारित होगा। किस पे आधारित होगा? रेसिस्टिविटी पे आधारित होगा। सो थैंक यू।